हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं चटपटा सा नाश्ता। सूजी से बनाएंगे, यानी कि रावा से। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ले लिया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार लें इसमें। आइए, 1 चुटकी से 2 चुटकी के करीब सोडा है तो इसे भी डाल लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इनो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप, उसी कप से मैं जिससे कप से सूजी लिया था उसी कप से मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी डाली हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, मुझे अंदाज़ है तो मैं एक ही बार में डाली हूँ 1.5 कप के करीब। ऐसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे कि सूजी फूल जाएगा। तो चलिए हम उसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है, पैन गर्म हो चुकी है तो हम इसमें तेल डाल लेते हैं। छोटे चम्मच से 1 चम्मच के करीब तेल है। आज सरसों के दाने हैं 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से कम है जीरा, हम यहाँ पर ले लेते हैं। 1 हरी मिर्च है। और जब ये चटक जाए तो हम इसमें थोड़ा इसे चला लेते हैं। जब चटक जाए तो हम इसमें अपना मसाले भी डाल देंगे। तो यहीं पर हम 1/2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसे भी हम डाल लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल गैस कम रखेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, ऐसे हम चला लेते हैं। यहाँ पर एक हमें टमाटर डाल लेना है, छोटे टुकड़े में कटा हुआ। और यहीं पर हम थोड़ा नमक भी डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें, इतना ध्यान रखें कि पहले भी हमने नमक डाला है। तो इसे अच्छे से हम चला लेना है। देखिए थोड़ा गल चुका है तो मैं यहाँ पर पत्ता गोभी डाल रही हूँ। आप चाहें तो पत्ता गोभी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई और सब्जी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरा प्याज भी लिया है, इसे भी मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। आप चाहें तो इससे ही बना सकते हैं अपने नाश्ते को। तो मैं यहाँ पर आलू भी डाल रही हूँ। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो बस आप हरी सब्जी से भी ये नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक आलू कद्दूकस कर लिया है, इसे अच्छे से हमें चला लेना है। इसे अच्छे से चला करके यहीं पर हम तब हरा धनिया भी डाल देंगे काट करके, बिल्कुल छोटे छोटे काट करके हमें डाल लेना है। इसे भी अच्छे से चला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब हो चुका है। तो इसे अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट भी हो चुके हैं। सूजी देख लेते हैं कि हमारा सूजी फूला है कि नहीं फूला है। तो देखिए यहाँ पर सूजी बिल्कुल फूल चुकी है, तो बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ देखिए हम तवा ले लेते हैं, तवा गर्म हो चुका है। तो बिल्कुल एक कम तेल में हम नाश्ता बनाएंगे, 2 से 4 बूंद तेल में हम नाश्ता बनाएंगे। तो 1 चम्मच के से ले लेते हैं 1-1 चम्मच पेस्ट हम। तो देखिए यहाँ पर एक साइड से हो चुका है, तो मैं यहाँ पर पलट देती हूँ। आप चाहे तो पलट सकते हैं, नहीं तो उसी पर से मसाले लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टमेटो सॉस भी ले रही हूँ। आप चाहे तो टमेटो सॉस ले, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे हमें टिक्की बना करके इस पर डाल देना है, ऐसे ही हमें ले लेना है। आप चाहें तो इसे पलट करके बनाएं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों साइड से सेक करके बना रही हूँ, आप एक साइड से भी सेक करके बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा जो रखी थी, जो सेकी थी, उसको भी मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। 1-1 बूंद तेल में इस पे डाल दे रही हूँ। इसे पलट करके हमें उलट पलट करके हमें सेक लेना है। तो देखिए मैं दूसरा भी तैयार कर रही हूँ, दूसरा मैं पलटी नहीं हूँ, एक ही साइड सेक करके इसको मैं लगा रही हूँ मसाला। तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपको जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हैं। ये नाश्ता बहुत टेस्टी यम्मी बनता है, आप बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है, इतना बढ़िया हमारा नाश्ता देखने में लग रहा है, उतना बढ़िया खाने में भी लग रहा था। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।